आज की इस वीडियो में हमारे पास है Realme के सब ब्रांड डीजो की तरफ से लॉन्च की गई डीजो वॉच D1.8 और यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म रिव्यू जो है आप स्मार्ट वॉच का बोल सकते हो, क्योंकि हफ्ते भर से ज़्यादा हो गया इस स्मार्ट वॉच को मैं कंटिन्यूसली यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन वहीं अगर आप लोग इसका एक सेटअप गाइड देखना चाहते हैं, इसमें जो फीचर्स होने कैसे यूज़ करना है, ऐप के फीचर्स को कैसे यूज़ करना है, तो उसका अलग वीडियो पहले ही आ चुका है चैनल पे, वो आप जाके देख सकते हैं। सबसे फर्स्ट में हम बात करते हैं स्मार्ट वॉच की प्राइसिंग की। तो जब मैंने स्मार्ट वॉच को ऑर्डर किया था तब इसका प्राइस था लगभग 1999 रुपये, लेकिन फिर थोड़ा इसकी जो है डिमांड बढ़ी तो उसके बाद इसका प्राइस हो गया 2499 रुपये, और फिर और डिमांड बढ़ने के बाद फिलहाल इसका जो प्राइस है वो है 2699 रुपये, यानी कि 700 रुपये यहाँ पे पूरे इस स्मार्ट वॉच पे बढ़ चुके हैं और फ्लिपकार्ट से जो है आप इसे परचेज कर सकते हैं। बात करें कुछ की फीचर्स की, तो यहाँ पे आपको कर्व डिस्प्ले मिल जाती है, साथ में 5 ATM वाटर रेजिस्टेंस है, और इसके अलावा 14 डेज का बैटरी बैकअप यहाँ पे दिया गया है। वॉच के साथ आपको बॉक्स पे एक चार्जिंग डाटा केबल मिलती है जो कि मैग्नेटिक पॉइंट्स के साथ आती है, साथ में बुकलेट वगैरह यहाँ पे दी गई है। और गाइस यहाँ पे स्मार्ट वॉच में आपको 4 अलग अलग कलर्स देखने को मिलते हैं, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन और पिंक, और ग्रीन कलर यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। बात करें वॉच के बिल्ड क्वालिटी की और लुक्स की, तो यहाँ पे जो स्ट्रैप की बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी हद तक अच्छी है, और यहाँ पे आपको कुछ लाइनिंग्स जो है स्ट्रैप पे देखने को मिल जाती है, क्योंकि अच्छा लुक स्ट्रैप को प्रोवाइड करती है। साथ में यहाँ पे गोल्डन मेटल फ्रेम आपको मिल जाता है जो कि एक बहुत ही प्रीमियम लुक जो है स्मार्ट वॉच को प्रोवाइड करता है, और इसी की वजह से जो स्मार्ट वॉच है थोड़ा अलग लुक आपको प्रोवाइड करती है। और गाइस जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, अगर आप इस स्मार्ट वॉच को पहनते हो तो कोई ना कोई आपसे ज़रूर पूछेगा कि कौन सी स्मार्ट वॉच आपने पहन रखी है। तो ऑल ओवर जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है, लुक्स एंड डिज़ाइन है, प्रीमियम है, और 53 ग्राम्स के वेट के साथ ये स्मार्ट वॉच आती है, तो थोड़ा हैवियर साइड ये स्मार्ट वॉच चली जाती है वेट के मामले में। लेकिन गाइज वहीं जब आप इसे टच एंड होल्ड करते हो, फील करते हो, तो लगता है आपने कुछ प्रीमियम डिवाइस अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। और एक बात मैं पहले यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ, गाइज इस बजट में आपको स्विमिंग स्पोर्ट के साथ बहुत ही कम स्मार्ट वॉच देखने को मिलती है, तो आप इस स्मार्ट वॉच को पहन के जो है इजिली स्विमिंग कर सकते हो, क्योंकि 5 ATM यानी कि 50 मीटर्स तक की जो डेप्थ है पानी में, वहाँ तक ये जो है सर्वाइव कर सकती है, तो ईजिली आप इसे पहन के स्विमिंग कर पाओगे। बात करते हैं स्मार्ट वॉच के डिस्प्ले की, तो यहाँ पे 1.8 इंचेस की TFT डिस्प्ले मिलती है 240x286 के रेजोल्यूशन के साथ, साथ ही 550 निट्स की पीक ब्राइटनेस यहाँ पे दी गई है। विजिबिलिटी की बात करूँ, इंडोर अच्छी है, और गाइस यहाँ पे आप अभी डायरेक्ट सनलाइट में विजिबिलिटी देख सकते हो। विजिबिलिटी जो है डायरेक्ट सनलाइट में बहुत ज़्यादा बेटर तो मैं नहीं कहूँगा, मतलब अभी अगर मैं लाइव देख रहा हूँ तो इतना स्ट्रगल मुझे नहीं करना पड़ रहा, लेकिन फ़ोन के कैमरा में अभी आपको और भी कम जो है ब्राइटनेस देखने को मिल रही होगी। साथ ही गाइस यहाँ पे आपको कर्व एजेस जो है डिस्प्ले में मिल जाते हैं जो कि डिस्प्ले को थोड़ा अट्रैक्टिव बना देते हैं, और बेजल्स यहाँ पे आप देख सकते हो, जो नीचे का जो बेजल है वो थोड़ा चौड़ा आपको जरूर से देखने को मिलता है, लेकिन बाकी जो तीनों साइड के बेजल्स हैं वो काफ़ी हद तक यहाँ पे आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाते हैं। तो डिस्प्ले के मामले में कोई इशू नहीं है, काफ़ी अच्छा डिस्प्ले यहाँ पे आपको मिल जाएगा, कर्व एजेस के साथ प्रीमियम लुक्स देने वाला है ये डिस्प्ले। तो गाइस यहाँ पे आपको 110 स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाते हैं, साथ में स्लीप ट्रैकिंग वगैरह भी है, स्टेप काउंटर भी है। और गाइस यहाँ पे स्टेप काउंटर की अगर मैं बात करूँ, तो जैसे अगर आप लोग चलते हो तो लाइव आपको काउंट नहीं मिलेगा, जैसे आपको 15-20 कदम एक साथ यहाँ पे अपडेट होके मिल जाएंगे। और वहीं गाइस एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस की है, जैसे अगर आप अपना हाथ हिलाते हो तो वहाँ पे भी थोड़ा जो स्टेप काउंट है वो ज़रूर से इंक्रीज होते हैं। वैसे जो स्टेप काउंट अगर आप ओरिजिनली चलोगे तो वो काफ़ी हद तक एक्यूरेट मिल जाएंगे आपको, लेकिन अगर आप खड़े खड़े होके भी अगर अपना हाथ मूव करोगे तो वहाँ पे भी स्टेप काउंट ज़रूर से इंक्रीज होंगे। और फ़ोन का जो म्यूज़िक है वो आप रिमोटली कंट्रोल कर पाओगे स्मार्ट वॉच से, जैसे नेक्स्ट म्यूज़िक करना, प्रीवियस म्यूज़िक, पॉज करना म्यूज़िक को, साउंड कम ज़्यादा करना, साथ ही रिमोटली आप कैमरा भी एक्सेस कर सकते हो। लेकिन गाइस यहाँ पे जो डीजो वॉच की ऐप है उसी का कैमरा यहाँ पे आप रिमोटली एक्सेस कर पाओगे, लेकिन जो फ़ोन में आपको कैमरा ऐप मिलती है वो यहाँ पे आप रिमोटली यूज़ नहीं कर सकते। और साथ ही यहाँ पे हर्ट रेट और SpO2 मॉनिटरिंग आपको मिल जाती है, पल्स ऑक्सीमीटर के साथ यहाँ पे मैंने दोनों को चेकआउट कर लिया है, काफ़ी हद तक एक्यूरेट आपको रीडिंग्स मिल जाएंगे। तो गाइस स्मार्ट वॉच में आपको स्ट्रेस मॉनिटरिंग, बॉडी टेम्परेचर मॉनिटरिंग और वॉइस असिस्टेंट वगैरह का सपोर्ट नहीं मिलने वाला। और बात करें फ़ोन कॉल की, तो यहाँ पे आप स्मार्ट वॉच से सिर्फ फ़ोन कॉल को रिजेक्ट कर सकते हो या साइलेंट कर सकते हो, और अगर आप साइलेंट करते हो तो फ़ोन में भी जो है कॉल साइलेंट हो जाएगी, और यहाँ पे वाइब्रेशन अलर्ट मिल जाता है, साथ में टॉर्च का भी फीचर दिया गया है जो कि नाइट टाइम में बहुत ही यूजफुल रहता है काफ़ी बार। और गाइस स्मार्ट वॉच में आपको मल्टीपल वॉच फेसेस देखने को मिल जाते हैं जिन्हें आप ऐप में जाके भी सेट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप अपनी फोटो वगैरह लगाना चाहो बैकग्राउंड में तो ऐप में ही आपको वो सब एक्सेस मिल जाती है, अपनी फोटो वगैरह आप यहाँ पे इजीली लगा पाओ। और वॉच में आपको रेज टू वेक का फीचर मिल जाता है जो कि काफ़ी हद तक अच्छे से वर्क कर लेता है, साथ ही जैसे ही आप अपना हैंड डाउन करोगे तो उस टाइम जो डिस्प्ले है
वो बंद भी हो जाता है। तो ये फीचर भी काफी सही मिल जाता है। तो बात करें इसके टच रिस्पांस की, तो टच रिस्पांस यहाँ पे आपको काफी हद तक स्मूथ मिलेगा और जो इसका सॉफ्टवेयर है वो भी कोई लैगी फील आपको नहीं देगा बिल्कुल भी। तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है काफी हद तक अच्छा है। और यहाँ पे आपको राइट साइड में एक बटन देखने को मिलता है। इसकी वर्किंग की अगर मैं बात करूँ तो डिस्प्ले ऑन ऑफ करने के लिए काम आता है, वॉच को ऑन ऑफ करने के लिए काम आता है। अगर आपको बैक आना है, होम स्क्रीन पे आना है, तो उसका वर्किंग जो है ये बटन कर देता है। और साथ ही स्मार्ट वॉच में आपको फाइंड माई फोन का सपोर्ट मिल जाता है। जैसे ही आप फाइंड माई फोन यहाँ पे प्रेस करोगे तो इजिली आपको स्मार्टफोन मिल जाएगा। और इस स्मार्ट वॉच की ऐप में आपको फाइंड माई वॉच का ऑप्शन भी मिल जाता है। जैसे ही आप उस पर प्रेस करते हो तो स्मार्ट वॉच जो है वाइब्रेट करने लग जाती है और थोड़ा ईजी हो जाता है स्मार्ट वॉच को ढूंढना अगर आप इसे इधर उधर रख देते हो। तो गाइस स्मार्ट वॉच को स्मार्टफोन से कनेक्ट करने के लिए प्ले स्टोर से आपको डीजो एप्लीकेशन का यूज करना होगा। और वहां पे आपको जो सारा डाटा है स्मार्ट वॉच का, जैसे आपके हार्ट रेट मॉनिटरिंग, SPO2 मॉनिटरिंग, स्टेप काउंटिंग वगैरह सब वहां पे आपको इकट्ठा होकर मिल जाता है। इसके अलावा जो नोटिफिकेशंस वगैरह है, जैसे किस किस ऐप की नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे वॉच पे मिलनी चाहिए वो सब आप वहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। साथ ही अलार्म वगैरह अगर आप सेट करना चाहो वॉच का तो वो सब वहाँ से आप एक्सेस कर पाओगे। और वो जो है iOS और Android दोनों के ही साथ इजिली कनेक्ट हो जाती है। और गाइस यहाँ पे एक बात और, आपको स्मार्ट वॉच में जो है फीमेल हेल्थ का भी फीचर मिल जाता है। तो गाइस अब फाइनली बात करते हैं स्मार्ट वॉच के बैटरी बैकअप की। तो यहाँ पे जो कंपनी है वो क्लेम करती है कि 14 डेज का यहाँ पे आपको बैटरी बैकअप मिल जाता है। सो गाइस अब मैं पिछले 6-7 दिनों से मैं इसे 100% चार्ज करने के बाद यूज कर रहा हूँ, तो अभी तक इसका जो बैटरी लेवल है वो 40% हुआ है सिर्फ। तो आप मान सकते हैं नॉर्मल यूजेज यहाँ पे मैं कर रहा हूँ तो नॉर्मल यूजेज में आपको 10-12 डेज के आसपास इजिली चल जाएगी। लेकिन अगर वहीं आप इंटेंस यूज करते हो, जैसे हार्ट रेट मॉनिटरिंग वगैरह बहुत ज़्यादा करते हो, बार बार करते हो, म्यूजिक कंट्रोल वगैरह, कैमरा कंट्रोल, तो उन सब में अगर आप इसे ज़्यादा यूज़ करोगे तो आपको 7-8 डेज का मैक्सिमम बैटरी बैकअप ईजिली मिल जाएगा। तो बैटरी बैकअप के मामले में स्मार्ट वॉच काफ़ी अच्छी है। चार्जिंग की बात करूँ तो कम से कम आपको 2 घंटे यहाँ पे लगने वाले हैं इसे 100% चार्ज करने में। और गाइज एक पॉइंट और, जैसे आप स्मार्ट वॉच एक दिन के लिए रख देते हो, यूज़ नहीं करते बिल्कुल भी, तो वहाँ पे इसकी 1% भी बैटरी जो है अभी तक ड्रॉप नहीं हुई है। मैंने एक दिन इसे रख के देखा था तो जहाँ पे इसकी बैटरी थी सेम वहीं पे मुझे नेक्स्ट डे मिली। तो गाइज यहाँ पे आप देख लीजिए कुछ ऐसा लुक आपको स्मार्ट वॉच का अपने हाथ पे बांधने के बाद मिलने वाला है। काफी प्रीमियम और स्टाइलिश लग रही है स्मार्ट वॉच। तो गाइस अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की। तो यहाँ पे ये स्मार्ट वॉच जो है मैंने 2000 रुपए में आप कह सकते हो खरीदी, तो वहां पे तो मेरा प्लस पॉइंट हो गया, बहुत अच्छी स्मार्ट वॉच उस बजट में मिल जाती है। लेकिन 2700 के बजट में भी स्मार्ट वॉच कुछ बेकार नहीं है, बहुत ही अच्छी प्रीमियम लुक्स के साथ मिल जाती है। बैटरी बैकअप काफी अच्छा है। मोस्टली प्रॉब्लम बैटरी बैकअप की होती है ज़्यादातर स्मार्ट वॉच में, 2-3 दिन या 4-5 दिन का ही मिलता है। लेकिन यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप मिल रहा है। कर्व डिस्प्ले यहाँ पे दी गई है जो कि अट्रैक्टिव लगती है काफ़ी, और 5 ATM का वाटर रेजिस्टेंस। तो ये कुछ चीज़ें हैं नॉर्मली आपको 2500 के बजट में जल्दी से देखने को नहीं मिलती। तो उसके हिसाब से मैं इस स्मार्ट वॉच को आपको फुली रिकमेंड करता हूँ, आप जाइए इसे परचेज कीजिए और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस इस स्मार्ट वॉच के साथ आपका रहने वाला है। तो ये था आज का हमारा वीडियो Realme Dizo Watch D1.8 को लेकर। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो एक लाइक बनता है। इसके अलावा आप लोगों का कोई भी ओपिनियन है, क्वेरी है वॉच से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से टाइप कीजिएगा, और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आप लोगों से मिलता हूँ एक नए फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।